हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल का DPI कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप एक गेमर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। सबसे पहले आपको अबाउट फोन पे टैप कर देना है, उसके बाद आपको EMI वर्जन पे 3 से 4 बार टैप कर देना है। EMI वर्जन पे 3 से 4 बार टैप करने के बाद आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बैक आ जाना है। तो मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद आपको एडिशनल सेटिंग पर टैप कर देना है। तो मैं एडिशनल सेटिंग पर टैप कर देता हूँ। इस पर टैप करने के बाद आपको फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको फिर डेवलपर ऑप्शन पर टैप कर देना है। डेवलपर ऑप्शन पर टैप कर देना है। डेवलपर ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। तो मैं फटाफट से नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो मैं यहाँ से फटाफट डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको स्मॉलेस्ट विड्थ पे वाले ऑप्शन को खोजना है। तो मैं इधर से खोज लेता हूँ उसको। तो ये रहा स्मॉलेस्ट विड्थ। तो यही आपका DPI का ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने फ़ोन का DPI चेंज कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से यहाँ पर आपको 600 DPI रख के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और आप एक गेमर हैं तो ये DPI को बढ़ा के आप एकदम इजीली हेड मार सकते हैं आप बंदे को। और आपको अपने मोबाइल में 800 से ज़्यादा DPI को नहीं बढ़ाना है, नहीं तो आपका मोबाइल ख़राब हो सकता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।